हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल भारद्वाज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडेली पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हम आइए जानते हैं कि मेंडेली पीरियोडिक टेबल दी किसने। तो जिन्होंने ये दी उनका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बनाई कि उन सभी की बनाई थी जितने एलिमेंट्स उस टाइम पता था। तो करीब 63 एलिमेंट्स उस टाइम उनको पता था, और 63 एलिमेंट्स उस टाइम जब खोज जा चुके थे तो उनका उनकी क्या किया कि टेबल बना दी। ठीक है, तो टेबल उन्होंने कैसे बनाई, क्या उनका बेसिक था, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उन्होंने क्या कैसे किया था। उन्होंने हम कह सकते हैं भाई कि उन्होंने कहा जाता है कि ये कार्ड है, ताश के पत्ते उनको लिया और उनको उस एलिमेंट का नाम और उनका एटॉमिक वेट लिख दिया एटम पे, तो उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने लगा दिए पत्ते। जैसे जैसे वेट बढ़ मतलब एटॉमिक वेट ज्यादा था उनको लगाते चले गए हम भाई, कम ज्यादा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा इस तरह लगाते गए। तो जो कार्ड के पत्ते नीचे आ रहे थे मतलब कॉलम में आ रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये जो है हमारे जो एक कॉलम में आ रहे हैं एक सेम ग्रुप में आ रहे हैं तो वो हमारे जो इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, तो मतलब इस तरह से उन्होंने काम किया था। तो उनका लॉ क्या रहा था, मैंने बता दिया बेसिक तुम्हारा यही था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में उन्होंने लगाया था डिमिट्री मेंडेलीव ने। कंसेप्ट जो रहा था उनका, जो लॉ दिया था उन्होंने, तो उनका कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि जैसे मतलब एटॉमिक मास में रिलेशन दे दिया उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से, है ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन किस साथ दे दिया एटॉमिक वेट से, कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलरली अगर इंक्रीज हो रही हैं या रेगुलरली वो डिक्रीज हो रही हैं, इस तरह से उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो ये तो था हमारा पीरियोडिक लॉ। इसमें भाई पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि या तो रेगुलर इंक्रीज होगा या रेगुलर डिक्रीज होगा या फिर वो सेम रहेगा, प्रॉपर्टी या चेंज नहीं होगी। अगर चेंज भी होगी ना तो मतलब रेगुलर चेंज होगी, चाहे इंक्रीज चाहे वो डिक्रीज, बट रेगुलर होगी इस तरह से। तो ये था हमारा मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। बात करें हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल में क्या कहता था उन्होंने कि ऐसे टेबल बनाए कि जिसमें 8 कॉलम हो और 7 रोज हो, 8 कॉलम बनाए थे और 7 रोज बनाए थे। तो जो 8 कॉलम बनाए थे उनको नाम दिया ग्रुप और जो 7 रोज बनाए थी उनको नाम दिया पीरियड्स। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं जो पीरियड क्या थे कि जो हॉरिजॉन्टली बनी हुई थी रोज हॉरिजॉन्टली और 7 हमारे बनाए थे, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर भाई हम बताएंगे फीचर्स में। फिलहाल ये समझो कि भाई जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, सॉरी जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज उनको हमने कह दिया पीरियड्स और जो 8 वर्टिकल कॉलम बनाए उनको हमने कह दिया ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, कि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, आप साइड में पीरियड टेबल देख भी सकते हो कि हमने पीरियड टेबल कैसे बनाई है। तो जो उन्होंने पीरियड टेबल जो बनाई थी उनमें मतलब क्या था कि कुछ फीचर्स भी रहे थे, तो क्या फीचर रहे थे ये समझ लो। तो मैंने पहले बताया कि सबसे नंबर वन जो फीचर रहेगा उनमें रोज और मतलब पीरियड्स और ग्रुप का रहेगा, कि जो उन्होंने दिया था कि जो पीरियड्स बनाए थे 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें हमने पीरियड्स कहा था, पीरियड कितने थे 7, तो उनको नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 7 जैसे आप काउंटिंग लिखते हो उस तरह से। ठीक है, तो हमारे पीरियड थे नंबर वन फीचर था। सेकंड फीचर क्या रहा था, सेकंड फीचर जो रहा था आपका कि 8 वर्टिकल कॉलम जिन्हें हमने क्या कहा था ग्रुप, और ग्रुप हमारे कितने 8 वर्टिकल कॉलम थे। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को हमने क्या कह दिया ग्रुप कह दिया, कितने थे हमारे ग्रुप 8 थे। ठीक है, तो मतलब 8 उनको हमने नंबरिंग कैसे दी, उनको नंबरिंग हमने दी रोमन नंबर से 1 2 3 4 5 7 मतलब रोमन नंबर में हमने उनको दिया था ग्रुप, 8 ग्रुप दिए थे हमने और 7 कॉलम दिए थे, तो रोमन नंबर हमने डाले। तो ये दो चीज हमारी हो गई, दो फीचर हमारे हो गए। तीसरा जो फीचर था
कि आप देखो टेबल में हर एक ग्रुप में दो सब ग्रुप बने हुए हैं ए और बी। हर एक ग्रुप में दो फीचर बने हुए हैं ए और सॉरी फीचर नहीं सब ग्रुप बने हुए हैं। हर एक ग्रुप में क्या बने हुए हैं? दो सब ग्रुप बने हुए हैं ए और बी। केवल ग्रुप एट में सब ग्रुप नहीं है, कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ये भी उनका एक फीचर रहा था। तो यहाँ पे होगा तीन फीचर। फोर्थ फीचर जो रहा था कि आप देख रहे हो कि हर एक ग्रुप में सब ग्रुप बने हुए हैं। तो जो ग्रुप ए है, जो ग्रुप ए के ए वाले जितने भी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, ग्रुप ए में जितने भी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं उनको मतलब क्या था, उनको हमने क्या कह दिया, जो हम देख रहे हैं जो ग्रुप वन में लेफ्ट हैंड साइड में जो ए ग्रुप आ रहा है उसको हमने क्या कह दिया, उनको हमने कह दिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट हमने उन्हें कह दिया। लेकिन जो हमारे राइट हैंड साइड में ग्रुप वन हो जाए तो सेवन तक अप टू सेवन जितने हमारे ग्रुप है जिनमें सब ग्रुप बने हुए हैं, तो राइट हैंड साइड में जो सब ग्रुप बी है, सब ग्रुप बी उसमें क्या है कि भाई जितने उनको जो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं तो उन्हें हमने क्या कह दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट हमने कह दिया। क्या कह दिया उन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये कुछ हमारे फीचर रहे। पांच फीचर आपके हो गए। एक सिक्स फीचर आपका कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स ग्रुप में आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं हमारे टोटल जो ग्रुप में आ रहे हैं उनकी बैलेंस ही सेम रहेगी। मतलब ग्रुप वन में चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो उनके जो मतलब क्या है कि उनकी बैलेंस जितने हमारे एलिमेंट हैं उनकी बैलेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन सब ग्रुप में मान लो सब ग्रुप के ए के जितने भी एलिमेंट है, सब ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ग्रुप बी के जितने भी सब ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। कैसा प्रॉपर्टी सेम रहेंगे? लेकिन ग्रुप में सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सब ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जो ग्रुप है उनमें जितने भी एलिमेंट हमारे आ रहे हैं उनकी बैलेंस अधिकतर सेम रहेगी। लेकिन जो बाकी प्रॉपर्टी है वो बहुत कम सेम रहती है, सेम नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ बैलेंस जरूर सेम रहेगी। ठीक है, जैसे ग्रुप वन की जो बैलेंस रहेगी वो वन रहेगी, ग्रुप टू की बैलेंस ही टू रहेगी, ग्रुप थ्री की बैलेंस ही थ्री रहेगी, अब ग्रुप फोर की बैलेंस ही फोर रहेगी। अब बात करते हैं ग्रुप फाइव की, तो जो ग्रुप फाइव की जो बैलेंस रहेगी वो हमारी होगी थ्री। ठीक है भाई, एट में से फाइव हटा दो, भाई ग्रुप फाइव है तो एट में से हटा दो। जैसे याद रखो जिस ग्रुप की हम बात करें, मान लो फिफ्थ ग्रुप लिया तो उसको आठ में से हटा दो तो कितने हो गए तीन। यदि सिक्स ग्रुप की मैं बात करूं तो एट में से चाहिए तो टू, मतलब इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी बैलेंस ही है वो सेम रहेगी सभी एलिमेंट्स की सेम ग्रुप में, ये याद रखना। तो ये हो गया आपके कुछ सिक्स छह कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, तो हमने फीचर की बात कर ली। मुझे लगता है कि मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैग्नेट्स की, इनके क्या फायदे, बात कर लेते हैं जिन्होंने पीरियड टेबल बनाई, मेंडेलीव ने जो टेबल बनाई उसके फायदे क्या रहे, क्या उससे कुछ फायदा हुआ था, तो फायदा हुआ था, क्या फायदा हुआ था सुनो। तो पहला जो फायदा हुआ था, फर्स्ट जो था, उन्होंने कहा कि भाई हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे मतलब तो जो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, उनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ये सबसे बहुत बड़ा फायदा रहा था उससे। ठीक है, तो दूसरा क्या था कि इन्होंने नई मतलब जो एलिमेंट आ रहे थे या डिस्कवर होंगे उनको पहले बता दिया कि आपको ये एलिमेंट प्राप्त होंगे, आपको डिस्कवर होंगे और इनका नाम ये रहेगा और वो कहाँ रखे जाएंगे वो भी बता देता। जैसे आप देख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह छोड़ रखी है, ठीक है, वहां पे एक एलिमेंट मिला बाद में, उन्होंने पहले कह दिया था कि यहाँ पर एक आपको एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी लगभग इससे सेम रहेगी, उनका एटम की वेट ये भी हो सकता है, तो उन्होंने ये कह दिया था। तो मतलब काफी इंटेलिजेंट थे, आगे की सोचते थे वो, तो उन्होंने ये काम किया। तो उन्होंने कह दिया भाई एक हमारा एलिमेंट मिलेगा और वो इनकी इनकी प्रॉपर्टी से मैच खाएगा। ऐसा हुआ भी, एलिमेंट मिला और उस एलिमेंट का क्या नाम डाला था उन्होंने पहले ही, एक कैल्विन, इसका नाम क्या रखें, कैल्विनियम, लेकिन बाद में उसका नाम हमने क्या रखा, कैरियम रखा था। ठीक है, अब उन्होंने कहा था भाई जो हमारे एक सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ी हुई है, उन्होंने कहा था सिलिकॉन के नीचे जो जगह छोड़ी हुई है वहां भी आपको एक एलिमेंट मिलेगा
जिसका नाम हम क्या रखेंगे, एक का सिलिकॉन रहेंगे रखेंगे, और जो जिनकी प्रॉपर्टी जिस ग्रुप में ये आ रहे हैं सब ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टी मैच करेंगे इनसे। ऐसा हुआ भी, बाद में एक एलिमेंट मिला जिसका नाम बाद में क्या रखा गया, जर्मेनियम, जिनका बाद में नाम क्या रखा गया था, जर्मेनियम रखा गया था। ठीक है, और काफी सारे इनकी प्रॉपर्टी मैच खाई बहुत ज्यादा, मतलब वैलेंस जैसे कि है ना, तो काफी सारे इनकी प्रॉपर्टी मैच खाई थी, तो उन्होंने नाम भी ले लिया और उनकी जो प्रॉपर्टीज भी बता रही थी, काफी इंटेलिजेंट थे, ऐसा उन्होंने करके दिखाया, ऐसा कोई भी आज तक नहीं कर पाया था। अब वो जो लास्ट इनकी जो रही थी, उन्होंने कहा फोर्थ मैरिट जो थी इनकी टेबल की, वो ये थी कि इन्होंने एटम मास का करेक्शन किया, कि जो एटम मास पहले से जो गड़बड़ आ रहे थे उनको उन्होंने ठीक किया, उनको सही बताया कि इसके एटम वेट ये रहेगा। ठीक है, तो इनकी ये मैरिट्स रही थी। तो आई होप कि आपको इसमें आया हुआ अच्छे से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की, कि इतना करने के बाद भी ये फेल हो गए, कैसे ये फेल हुए, तो इनके बीच का एक रीजन है, तो वो देखिए। मैंने पीरियोडिक टेबल की क्या मतलब डीमेरिट्स रही, क्या उनको नुकसान रहा, कैसे वो फेल हुए। तो पहला जो रीजन था इनका, जो कमी आई थी इनके जो फेल हुए जिस कारण, तो पहला रीजन कि उन्होंने जो डिसिप्लिन एलिमेंट थे जो मतलब बिल्कुल अलग थे, उनकी कोई प्रॉपर्टी सेम ही नहीं थी, उनको ग्रुप कर दिया ना, जैसे कि कॉपर और एक सिल्वर, कॉपर गोल्ड सिल्वर, इनकी ग्रुपिंग कर दी सोडियम पोटेशियम और लिथियम के साथ, जबकि ये बहुत अलग है। इनकी क्या प्रॉपर्टी सेम थी, ये प्रॉपर्टी एक ही सेम थी कि भाई ये मेटल्स थे, बाकी इनकी कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं आई थी, फिर इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, सेम ग्रुप में उन्होंने रख दिया। और दूसरी प्रॉपर्टी ये रही कि पहले प्रॉपर्टी में बताया कि भाई जो अलग एलिमेंट है डिफरेंट थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। दूसरी क्या, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी फिर भी उनको दूर दूर रखा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर बताऊं कि ऑरे और प्लेटिनम, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी फिर भी इनको दूर दूर रखा गया। तो दो प्रॉपर्टी आपकी रही थी इसमें, मतलब कुछ जो कमी रही थी दो, तो ये दो तीन कारण फेल हो गए थे। तीसरा जो इनकी जो कमी थी वो ये थी कि ये आज टॉप की पोजिशन को भी नहीं बता पाए, कि उन्होंने कहा था कि भाई जो हमारे जैसे एटम की वेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे एलिमेंट्स को रखेंगे। लेकिन आज तो आप जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, वन एच वन जिसका एटम मास वन, एक हाइड्रोजन ऐसा जिसका एटम मास टू और एक एटम मास थ्री वाला, तो उनको उनके रखने में कोई पोजिशन नहीं थी। लेकिन प्रॉपर्टी से अगर मान लो वन एच वन के बाद वन एच टू रख दूं नेक्स्ट बॉक्स में, तो फिर उसी ग्रुप वाला हो गया, मतलब कि अब एलिमेंट्स तो सेम, प्रॉपर्टी सेम, लेकिन ग्रुप अलग बन गया, तो यहाँ दिक्कत आई। तो वो आइसोटोप की पोजीशन को भी नहीं बता पाए कि वो कहाँ रखें, अगर वो वहां रखें अलग तो वही ग्रुप अलग हो गया, सेम एलिमेंट्स तो ग्रुप बहुत अलग हो जाता, अगर उसी बॉक्स में रखें तो उनका लॉ फेल हो जाता है। वो कैसे कि जैसे जैसे एटम की वेट बढ़ेंगे वैसे वैसे वो उनको जगह मिलेगी। अब एक ग्रुप में दो जिनके वेट अलग अलग हैं उनको रखना है और उनका लॉ अलग ही था कुछ, और जो मेंडेलियन था वो भी नहीं बता पाया कि जो हमारे हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन वो नहीं बता पाए। वो क्यों नहीं बता पाए वो मैं बात करूंगा, अगर जो हम बात करेंगे जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें बता दूंगा कि आइसोटोप जो हमारे हाइड्रोजन की पोजीशन है वो उसको क्यों नहीं बता पाए थे। अब बात आए कि हाइड्रोजन क्यों नहीं बता पाए, एक और रहता है कि वो एटम मास उनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं रहा था, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम रखेंगे। लेकिन उनकी टेबल में ये बात देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो ज्यादा है उसे पहले रखा और जो कम है जिसका एटम वेट उसे बाद में रखा। उन्होंने ये कहा था जिसका कम है वो पहले होना चाहिए और जैसे बढ़ते जाएंगे उसे रखेंगे। लेकिन कई जगह कुछ जगह ऐसी पाई जहां पे छोटे वाला जिसका एलिमेंट कम था एटम वेट कम था वो एलिमेंट पहले रखा, जिसका एटम वेट ज्यादा था वो बाद में रखा। तो कौन कौन से वो थे, एक तो था हमारा कोबाल्ट और एक था निकल, इन दोनों के जो थे एटम वेट मतलब अलग थे और काफी मतलब जैसे इसमें देख रहे हो कि जो पहले रखा है वो बाद में होना चाहिए था और जो बाद में रखा है वो पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट और निकल। जैसे कोबाल्ट पहले रखा है निकल बाद में रखा है, तो उनकी जो पोजीशन है उनके एटॉमिक वेट से मैच नहीं खाती कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो पहले रख दिया
लेकिन इनको नोबेल प्राइज से बड़ी एक चीज मिली, एक इनका याद करने का तरीका है, एक इनको याद किया जाता है एक एलिमेंट के नाम पर, 101 एक हमारा एलिमेंट आता है जिसके आप क्या नाम रख दिया मेंडेलीवियम। काफी बड़ी उपलब्धि हो गई तो, क्योंकि जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे टेबल तब हम उसका उनके नाम पर एक एलिमेंट पढ़ते रहेंगे, तो काफी बड़ी चीज थी। भाई नोबेल प्राइज को हो सकता है, लेकिन कैसे बोले जब उनका नाम पे एक एलिमेंट रखा गया है मेंडेलीवियम 101 पर, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा मेंडेलीवियम पीरियोडिक टेबल का खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ये तो था पार्ट टू। अगली जो आएगी पार्ट थ्री, जिसमें हेनरी मोजली हमारे एक नई टेबल बनाएंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो आज हम वास्तव में पढ़ते हैं, जो आगे आपको 11th 12th में भी आएगी, काफी ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो इसी साथ हम अपनी वीडियो बंद करते हैं, और आपको यदि ये समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया या नहीं।